हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अपना लेसन नंबर एक चल रहा था, इसमें आज अपन बात करेंगे जो अपन ने मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाइयां पढ़ी है पार्ट ए और पार्ट बी में, उनमें कुछ अंतर परिवर्तन किस प्रकार से होता है, उसके कुछ क्वेश्चन लेके उसको अपन समझेंगे। ये आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके जो आपस में संबंध है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी आज इनके साथ अपन डिस्कस करेंगे। जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में क्या करवा रहा है आपसे, 150 एंगस्ट्रॉम को चेंज करवा रहा है, वो किसमें, सेंटीमीटर में, किसमें चेंज करवा रहा है, सेंटीमीटर में। देखिए इधर, अपन जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10^-10 मीटर, अपन किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में, तो अपन क्या लिखेंगे, इक्वल होता है किसके, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-8 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, 150 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 150 × 10^-8 सेंटीमीटर, मतलब इस एंगस्ट्रॉम की जगह क्या रख दिया मैंने, 10^-8 सेंटीमीटर। तो अपने पास में ये जीरो भी इसमें हो जाएगी, 150 × 10^-7 सेंटीमीटर, That is your answer. ये आपका आंसर है, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे, 460 पिकोमीटर इज इक्वल टू, इसमें कन्वर्ट करवा रहा है ये भी सेंटीमीटर में, अपन जानते हैं 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10^-12 मीटर, क्या होता है, 10^-12 मीटर, 12 मीटर। तो यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10^-10 सेंटीमीटर। ये कैसे चेंज हो रहा है, आप जानते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, सॉरी 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, मीटर इधर क्या रखेंगे अपन, 100 सेंटीमीटर, तो ये माइनस की पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, जैसे इसमें 12 से कितनी होगी, 10 होगी। तो देखिए इधर क्या जाएगा, 460 पिकोमीटर इज इक्वल टू 460 × 10^-10 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे इसको, 460 × 10^-9 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा, क्लियर। अगर आपको संबंध पता है कि किस मात्रक का मीटर सेंटीमीटर में क्या मान होता है, तो अपन इनको आराम से कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं, क्लियर। इन दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करते हैं, ये तो था अपने पास में लंबाई से संबंधित, अब बात करते हैं अपन आयतन से संबंधित। देखिए 3rd क्वेश्चन है अपने पास में, क्या कह रहा है, 6.76 सेंटीमीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करवा रहा है आपको, डेसीमीटर क्यूब में, किसमें करवा रहा है, डेसीमीटर क्यूब में। अब देखिए बेटा, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है आपका 100 सेंटीमीटर, बता चुका मैं आपको, इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर, किसमें है, लंबाई में, अपन किसमें दिया हुआ है, क्यूब में, तो लंबाई को अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे, आयतन में, तो आयतन क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, 1 मीटर क्यूब बराबर 100 की होल 3, तो इसका मतलब ये इसको क्या ले सकते हैं अपन, 10^2, तो इसका होल क्यूब करेंगे कितना जाएगा, 10^6 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और यहां से हो जाएगा अपने पास में 10^3 डेसीमीटर हो गया। अब देखो सेंटीमीटर और डेसीमीटर में संबंध क्या है, देखो सर ये संबंध है अपने पास में, 10^6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10^3 डेसीमीटर क्यूब, सही है। आपको सेंटीमीटर को हटा के क्या लाना है, डेसीमीटर क्यूब, तो पहले इसको इधर ले जाओ आप, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10^3/10^6 डेसीमीटर क्यूब, ये कट जाएगा, कितना रह जाएगा, 10^3, ऊपर जाएगा माइनस की, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10^-3 डेसीमीटर क्यूब, समझ में आया होगा आपके ये, तो 1 सेंटीमीटर की जगह मतलब 6.76 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 6.76 × 10^-3 डेसीमीटर,
ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चार, क्या दे रखा है, 840 मीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करना है आपको, लीटर में। किसमें करना है, लीटर। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर अपन जानते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो यहां से अगर अपन निकाले, अपन क्या दिया हुआ है, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब का संबंध किससे है, डेसीमीटर क्यूब से, और डेसीमीटर क्यूब का संबंध किससे है, लीटर से। तो देखिए बेटा, यहां से अपन लेंगे 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10^3 डेसीमीटर क्यूब, सही है, और डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, लीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया 10^3 लीटर, ऐसी जगह मैंने क्या रख दिया, लीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया 10^3 लीटर। तो देखो 840 मीटर क्यूब बराबर 840 × 10^3 लीटर, क्या लिख सकते हैं इसको, 84 × 10^4 लीटर, सही है क्या, देख ले एक बार, देख लीजिए, 1 मीटर क्यूब बराबर 10^3 डेसीमीटर क्यूब, तो यहां से डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, लीटर। इसको हटाई मैंने क्या रख दिया, लीटर। सीधा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखो पांचवे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2, 4, 6 लीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर। तो देखो ध्यान दो, अब अपन जानते हैं कि डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर। यहां क्या दे रखा है, लीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखो इसको वापस लेते हैं अपन, 10^6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10^3 डेसीमीटर क्यूब, इसे क्या रख सकता हूं मैं, लीटर। 10^6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10^3 लीटर, सही है, अपन को लीटर की जगह क्या लाना है, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बेटा यहां से देखो, 1 लीटर स्क्वायर 10^6 × 10^3 सेंटीमीटर क्यूब, अपने पास आ जाएगा 1 लीटर = 10^3 सेंटीमीटर। लीजिए 2, 4, 6 लीटर = 2, 4, 6 × 10^3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। क्लियर। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या दिया हुआ है, 5, 4, 8 लीटर को आपको चेंज करना है किसमें, मीटर क्यूब में। तो देखिए इसमें वही चीज आएगी अपने पास में, डेसीमीटर को लीटर बोलते हैं अपन, डेसीमीटर क्यूब को, तो यहाँ पे मीटर का डेसीमीटर से संबंध देखो, 1 मीटर क्यूब बराबर है 10^3 डेसीमीटर क्यूब, राइट। तो यहां से अपने पास में इसकी जगह क्या रख दूं मैं, लीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया 10^3 लीटर, और यहां से अगर अपन 1 लीटर बराबर निकालेंगे तो क्या जाएगा, 10^-3 मीटर क्यूब, सही है। तो यहां से रख दो इसको, 5, 4, 8 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5, 4, 8 × 10^-3 मीटर क्यूब, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से अपन ने लंबाई वाले मात्रकों को और आयतन वाले मात्रकों को आपस में क्या किया, अंतर परिवर्तन किया। ये तभी हो पाएगा जब अपन को क्या हो, आपस में संबंध पता हो। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि ये अंतर परिवर्तन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।